नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सुजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जे आर एफ विद सुजल आपका स्वागत है आज की एक इंटरेस्टिंग क्लास में आज की इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे 18 जून को आपका एग्जाम होने वाला है और अब एग्जाम में लगभग 30 से 35 दिन बचे हुए हैं ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या चीजें पढ़कर जाना चाहिए रिविजन कैसे करना है और मैं एग्जाम के दिनों में अपनी प्रिपरेशन कैसे करता था इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप बस ईयरफोन पहन लीजिए और आराम से मेरी बाते मेरी बातें बातें सुनिए आपके लिए बूस्टर डोज का काम करेंगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप यूट्यूब पर यह सर्च करना बंद करिए कि तीस दिन में जे कैसे करें कोई हमें ऐसे क्वेश्चन बता दे जिनसे जे पास हो जाए कोई कुछ ऐसी चीजें बता दे जिससे हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े ऐसे सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज भी ये सभी चीज़ें देख रहे हैं तो आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं आपका ध्यान इस समय केवल और केवल पढ़ाई में होना चाहिए और मैं इसे सभी बच्चों से कह देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम ऐसी नहीं है कि इसे साठ दिनों में पास किया जा सकता है सत्तर दिनों में पास किया जा सकता है इसे पास करने के लिए एक कठोर परिश्रम करना पड़ता है तुक्के से इस एग्ज़ाम को पास नहीं किया जा सकता चलिए अब हम बात करते हैं उन सभी बच्चों की जो असली में मेहनत कर रहे हैं और उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है कि इन 30 से 35 दिनों में ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे वह अपना जे का सपना पूरा कर पाए तो मैं आपको खुद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो लास्ट के तीस से पैंतीस दिनों में किस तरह से पढ़ाई करता था इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ मेरी यह स्ट्रेटजी होती थी कि जिस दिन भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके पंद्रह दिन पहले मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम्प्लीट कर लेना है सारे एम सी क्यूज कम्प्लीट कर लेना है और उसके बाद जो बचे हुए पंद्रह दिन हैं उन पंद्रह दिनों में पेपर वन की दस यूनिट और पेपर टू की दस यूनिट का दबा कर रिविज़न करना है मेरी एक बात आप याद रखिए आप कितना ही ज़्यादा क्यों ना पढ़ लें अगर आपने चीज़ों का रिविजन नहीं किया है तो आप पेपर में हंड्रेड परसेंट आते हुए क्वेश्चन गलत करके आएंगे और याद रखना आपके सिलेक्शन ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आते हुए क्वेश्चन गलत करना हम पेपर में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं और जब घर आकर उन्हें मैच करते हैं तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था मैंने इसे गलत कर दिया और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है अब आपका पेपर 18 जून को होने वाला है तो आपको 31 मई तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और बचे हुए 17 दिनों में केवल और केवल रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट एम को करना है मैं आपको बता रहा हूं अगर आप एक जून से लेकर सत्रह जून तक रोज दस दस घंटे चीजों का रिवीजन करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दस घंटे रिवीजन करने का मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं ये चीज़ कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं मात्र ये सत्रह दिन अगर आपने दस दस घंटे तबीयत से पढ़ाई कर ली ना तो मैं कहता हूँ रिजल्ट आपके ही फेवर में आएगा हिंदी साहित्य के बच्चे थोड़ा ध्यान दें अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको यूनिट एक से यूनिट दस तक सारी चीजें कवर करने के बाद दृष्टि की बुक में यूनिट वन से लेकर यूनिट चार तक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं आपको सभी करने हैं उसके बाद दृष्टि में एक विविध नाम से चैप्टर है उसमें जितने ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपको वो सभी भी करने हैं आपको विभिन्न पत्र पत्रिकाएं करनी है उसके बाद आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सभी पंक्तियों को याद करना है सभी के इम्पोर्टेंट कथन आपको याद करने हैं साथ ही में 2017 से लेकर दिसंबर 2023 तक यू जी नेट में हिंदी के जितने भी पेपर हुए हैं आपको सभी के एक एक ऑब्जेक्टिव याद करने हैं क्योंकि पेपर में चार से पाँच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके अलावा यूनिट पाँच से यूनिट दस तक आपको जितना हो सके एम की प्रैक्टिस करनी है अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पर आती है कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से ढूंढे यूनिट पाँच से यूनिट दस तक के तो अब आप आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है हिंदी साहित्य इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ उसमें मैं आपको रोज 25 प्रश्न करवाता हूँ प्रत्येक यूनिट के हमने यूनिट छ यूनिट सात यूनिट आठ यूनिट नौ इन सभी के ऑब्जेक्टिव्स कर रखे हैं अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है इन वीडियोस को देखकर आप इन सभी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे एक बात याद रखना यूनिट छः से यूनिट दस तक हमेशा ऐसा होता है एग्जामिनर इनमें से किसी एक यूनिट को टारगेट करता है और किसी एक यूनिट से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं इसीलिए आपको इन पर विशेष रूप से ध्यान देना है अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनिट टू पर ध्यान नहीं देंगे यूनिट टू तो आपको कंप्लीट करनी ही है वहाँ पर आपको एक एक रचनाकार की एक एक रचनाएं याद करनी है और उनके सन भी याद करने हैं यूनिट टू में जो अन्य गद्य विधाएँ हैं जैसे जीवनी आत्मकथा यात्रावर्तान संस्मरण इत्यादि यहाँ से क्वेश्चन बनने की 99.99 परसेंट .99 संभावना है तो आपको ये चीजें तो रट कर जानी ही जानी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और यहां से आप सीधे सीधे नंबर कवर कर सकते हैं बस अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो आपको जे पास करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये सभी चीजें मैं कर चुका हूं इसीलिए आपको बता रहा हूं देखिए अब वह टाइम गया जब कुछ चीजें छोड़ देने से और कुछ चीज़ें कर लेने से जे हो जाता था लेकिन अब अगर आपको जे पास करना है तो आपको एक एक चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसमें कोई डाउट नहीं है अगर आपने पिछले कुछ पेपर्स को फॉलो किया है तो आप जानते होंगे कि मार्च 2023 से एग्जाम का पैटर्न किस तरह से बदल चुका है ये मान के चलिए कि पेपर में 20 क्वेश्चन फैक्चुअल आएंगे मतलब पूछा जाएगा कि बताइए ये रचना किसकी है यह किस उपन्यास का पात्र है या फिर रचनाओं को क्रम से लगाने का आपसे बोला जा सकता है बीस क्वेश्चन फैक्चुअल आएंगे लेकिन तीस क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर आपने चीजें डीप में पढ़ी हैं तो आप उनका आंसर कर पाएंगे पच्चीस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप कन्फ्यूज होंगे इसका आंसर ए होगा या बी होगा और जो बचे हुए पच्चीस क्वेश्चन है वो इतने खतरनाक आएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं लेकिन अगर आप सौ क्वेश्चन में से पचास क्वेश्चन भी सही कर देते हैं और बचे हुए पचास क्वेश्चन में से बीस क्वेश्चन भी तुक्के सही कर देते हैं तो आप सिक्सटी फाइव से 70 सही कर पाएंगे और अगर पेपर टफ हुआ तो जेआरएफ के लिए इतना स्कोर काफी है और अगर पेपर इजी आता है तो आप इसे सेवन से 75 कर दीजिएगा पिछली बार हिंदी में सत्तर हजार बच्चों ने फॉर्म भरा था जिसमें से 311 बच्चे जे पास हुए थे यहाँ पर मैं सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो मात्र 110 बच्चे जे पास हुए थे अब आप सोच सकते हैं कंपटीशन कितना है लेकिन आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है मैंने भी नहीं दिया था मैंने जो चीज़ें करी थी वही चीज़ें आपको बताई हैं और इसीलिए इन एक बच्चों में, में मेरा नाम था और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप भी ये सभी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका नाम भी उस लिस्ट में होगा फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं कितने बच्चों का नेट हो रहा है आपका टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए कि मुझे वो एक सीट चाहिए जे के लिए अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊँ तो आपको इकतीस मई से पहले अपना सिलेबस कम्प्लीट करना है और एक जून से सत्रह जून तक चीज़ों का भयंकर तरह से रिविज़न करना है मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा रिविज़न करेगा जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो पेपर में जो सबसे कम सिली मिस्टेक करेगा केवल उसी का जे आर एफ होगा और ये सब करने के बाद भी अगर उन तीन घंटों में आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाए अगर आप उन तीन घंटों में घबरा गए अगर आप उन तीन घंटों में हेजिटेट हो गए तो आपके पीछे की सारी मेहनत कचरे में जा सकती है इसीलिए पेपर देते समय अपने इमोशंस को कंट्रोल करिएगा और बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा विश्वास होना चाहिए आज की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से हिंदी साहित्य में क्या पढ़ना है कैसे तैयारी करनी है सारी बातें बता दी हैं अब एक वीडियो जल्द ही पेपर वन के लिए भी लेकर आऊँगा क्योंकि बिना पेपर वन के सपोर्ट के जे करना थोड़ा मुश्किल है इसीलिए पेपर वन की भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो होनी चाहिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मिलेंगे जल्दी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए जय आर सुजल नमस्ते